गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लैब पब्लिक स्कूल। वंस अगेन आई एम शिल्पी भार्गव। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेस। यस, सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव रीड द पोयम द स्विंग, है ना? हमने ये पोयम पढ़ी थी। हाउ इज द पोयम? कैसी लगी आपको पोयम? यस, अच्छी लगी ना? यस, यू एंजॉय द पोयम और आपने लर्न कर ली होगी। Yes, I hope you learned the poem. Yes. Now, in today's class, we do book exercise. Okay? So, let's start. Yes. First is comprehension. Take the things the child can see from up in the air. Yes. In this poem, जब child ऊपर की तरफ जाता है, तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं इनमें से? Rivers? Yes. River दिखाई देती है. Tree? Yes, trees दिखाई देते हैं। School? No, school नहीं दिखाई देता, तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे। Okay? Camels नहीं दिखाई देते। Yes, garden, garden दिखाई देता है ना? Yes, so we take on garden. Bull? No, bull भी दिखाई नहीं देती हमको। Yes, farmer दिखाई देते हैं? No, roof? Yes, roof दिखाई देती है? Yes, seal? No, seal भी दिखाई नहीं देता हमको। Yes. So, हमने क्या किया इस बारे में कि जब हमारा जो झूला है, जो बच्चे का झूला है, जो अब the child can see from up in the air, जब वो हवा में होता है तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई देती है? रिवर, ट्री, गार्डन और रूफ। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज। Yes, answer these questions. बेटा जो अपना ये वाला जो questions है ना, ये अपना क्या है? ये अपन book copy work है ना, तो अपन इसको जो अपन PDF solve करेंगे ना, जब अपन PDF करेंगे तब अपन करेंगे। So our next question is think and answer. Think and answer. So what is our first question? Yes, do you think the child is happy? क्या आपको लगता है child happy है? Yes, obviously. जब वो झूले पे झूलते हैं बच्चे, तो कैसा फील होता है उन्हें? वो हैप्पी होते हैं ना? यस, सो यस होगा। और व्हाई? क्यों हैप्पी है? बिकॉज़ ही एंजॉय द, ही और शी एंजॉय द स्विंग। वो अपने स्विंग को एंजॉय कर रहा था इसलिए। डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? क्या आप स्विंग से ऊपर जाना पसंद करते हो? यस, सब बच्चे करते हैं। जब झूला झूलते हैं तो ऊपर की साइड जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो नीचे की तरफ ही रहेंगे। Which swing is your favorite in your school playground? जो भी आपकी favorite swing है अपने school के playground में, आपको वो लिखनी है। जैसे I like seesaw, है ना? Okay. Now next is the child feels that going up in a swing is the pleasant thing to do. Yes. We all find different activities pleasant. Talk about the activities that you make you feel happy. कौन कौन सी थिंग्स ऐसी हैं जो एक्टिविटीज हैं जो आपको हैप्पी करती है? यस, जैसे प्लेइंग, सब बच्चों को खेलना पसंद होता है ना? यस, लाफिंग, हंसना भी पसंद होता है। तो जो भी आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज वर्ड वंडर। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट द नेम्स। ओके, फर्स्ट इज क्या है? ब्रेड और बटर। ब्रेड एंड बटर, हम ब्रेड को किसके साथ खाते हैं? बटर के, जेम्स के साथ भी खाते हैं ना। तो ये क्या चीजें हुई? इन दोनों जो चीजों के नाम है इनको हम एक साथ ही लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ड पेयर। ओके, वर्ड पेयर। वर्ड पेयर आर अ सेट ऑफ टू वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज टूगेदर। जिन जिन वर्ड्स को हम एक साथ बोलते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड पेयर। निडल एंड थ्रेड, है ना? सुई और धागा। निडल एंड थ्रेड मतलब सुई और धागा। ओके, कोट एंड टाई। अब देखो, कोट एंड शर्ट, कोट एंड टाई, है ना? इन दोनों को भी कॉम्बिनेशन हो गया ना, कोट एंड टाई। ओके, डे एंड नाइट, रात और दिन, ऐसे बोलते हैं ना, डे और नाइट। यस, ओके। नाउ रीड इट, व्हाट इज राइट हियर? द वर्ड्स ब्रेड एंड बटर, निडल एंड थ्रेड, कोट एंड टाई एंड डे एंड नाइट आर कॉल्ड वर्ड प्रेयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इनको क्या बोलते हैं हम? वर्ड पेयर, शब्दों का जोड़ा। ओके,
Words, word pair are a set of two words which are always used together. जो word pair उसको कहते हैं हम जब किसी कोई भी दो शब्दों को हम एक साथ बोलते हैं उनको हम word pair बोलते हैं. These words have an order. We say day and night, not night and day. इनका एक particular order होता है. जैसे हम day और night ही बोल सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं night और day, रात और दिन, नहीं, दिन और रात. This is a correct word. Okay. Now do some exercise of this based on this word pair. Okay. Match the pictures in column A and B to form word pairs. Okay. Yes. First is lock. है ना, lock है. Lock को हम किसके साथ match कर सकते हैं बताओ? Lock and key. ताला और चाबी. है ना, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है. Lock and cross. No. Lock and key. So we match lock with key. हम lock को key के साथ match करेंगे. Okay. Now next is pen. Pen को किसके साथ match कर सकते हैं हम? Basket के साथ, बाल्टी के साथ? No. Pen and pencil. क्या होगा? Pen and pencil. Okay. So हमारे जब हम बाथ लेने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या 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 होता है हमारे बाथरूम में? यस, सोप एंड बकेट. ओके, नाउ राइट और रॉन्ग. राइट और रॉन्ग होगा ना? यस. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, टर्न योर पेज. ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आई, यू और वी. ओके, सो रीड इट. Read and conversation between friends. Read this conversation between friends. जो दो बच्चे देख रहे हैं ना, दो girls हैं, ये आपस में बातें कर रही हैं. So what say she? Hi, I am Shilpa. देखो क्या बोला इसने, I am Shilpa. Okay. You are Trisha, right? Yes. वो क्या बोलती है देखो. Yes. Do you see the girl with the orange bottle? आप उस गर्ल को देख रहे हो जिसके हाथ में ऑरेंज बोतल है? यस, शी इज पूजा. कौन है वो? पूजा है. त्रिशा एंड आई आर नेबर्स. त्रिशा और मैं क्या है? नेबर्स है. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. हम दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ओके, सो वी यूज आई व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ. हम आई का यूज कब करते हैं? जब हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, है ना. जैसे कि उसने बोला ना, आई एम शिल्पा. ओके, वी यूज यू व्हेन वी टॉक टू समवन एल्स. अगर हम किसी और के लिए बात करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं. जैसे कि उसने बोला यू आर त्रिशा, है ना. We use we for more than one person. जब हम एक से ज्यादा किसी के लिए बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? We यूज करते हैं. ऐसे we are friends, है ना. ऐसे थोड़ी कर सकते हैं I are friends. ये अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं लग रहा. तो हम इसके लिए जब हम एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए we यूज करते हैं. We use more than one person. Okay? It's like we are friends. We use am when we refer to ourselves. जब हम अपने self के बारे में बताते हैं तब हम I am use करते हैं. और always use I with am. I के साथ ही हम am को use कर सकते हैं. We use it with the word I. और हम इसको I के साथ ही use कर सकते हैं. We use is in a sentence that talks about only one person, animal, place or thing. जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? Is. अगर हम किसी भी दो जनों के लिए बात करेंगे या तीन जनों के लिए बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Are. Okay? We always use are with you. जैसे I के साथ am यूज होगा वैसे ही you के साथ हमेशा are यूज. ऐसा नहीं है कि आप यू के साथ इस को यूज कर सकते हैं. नो, आप इस यू के साथ इसको यूज नहीं कर सकते. यू आर. ओके, वी यूज आर इन अ सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. आर का यूज कब करते हैं हम? जब एक से ज्यादा जने होते हैं ना, मतलब वन, एक से ज्यादा जने होते हैं. और इसका यूज कब करते हैं? जब वन पर्सन होता है और आर का
जब टू पर्सन होते हैं, मेन प्लूरल्स होते हैं. ओके, सो डू द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, यू और वी. अब आपको मुझे बताना है कि इसमें आई आएगा, यू आएगा या वी आएगा. माई नेम इज अन्या. यस, सो क्या आएगा इसमें? यू प्ले बास्केट. माई नेम इज अन्या, यू प्ले बॉल. नो, आई प्ले बास्केट बॉल. I play basketball. मैं basketball खेलती हूँ. Shreya do have an eraser. क्या बोलेंगे? जैसे कि हम क्या बोलते हैं? You have an eraser. तो क्या आएगा यहाँ पे? You. Okay. Now next is my friends have come. My friends have come dash are going to the zoo. Zoo है ना? चिड़ियाघर को बोलते हैं ना. तो अब देखो इसमें R आया है. तो you are going. No. वो सारे जन है ना, वी आर गोइंग टू द जू. ओके, अब देखो इसको तो आप इजीली पहचान सकते हो. जैसे मैम ने आपको बताया था ना, एम लिखा है, ए एम एम, तो ऑलवेज यूज एम विद आई. आई एम 3 feet टॉल. मैं 3 feet लंबा. ओके, नाउ टर्न योर पेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर. अब हमें क्या करना है इसमें? Is, am और are fill करना है. So I के साथ always क्या use करना है हमें? Am. So लिख देंगे तो easy है ना. I am going on a school trip today. मैं school trip पे जा रहा हूँ. All students, next is all the students of our class going on a picnic on Wednesday. तो क्या आएगा इसमें? Is आएगा. देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना, is आएगा. Is एक के लिए use होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे तो क्या use होगा? Are. A R E R. So all the students of our class are going on a picnic on Wednesday. Okay. अब देखो next is the dog. Single है ना, dog एक ही है ना, तो क्या एक के लिए क्या use करते हैं हम? Is. The dog is lonely because he has no one to play with. Okay. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Is. I S is. Okay. Now once again I. तो what will use we with I? हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम करते हैं. आई एम अर्ली वेटिंग फॉर माई हॉलीडेज. मैं अपनी हॉलीडेज का बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई हॉलीडेज. मैं अपनी हॉलीडेज का वेट बहुत उत्साह के साथ कर रहा हूँ. है ना, सबको वेट होता है ना कि कब हमारी हॉलीडेज आएंगी. यस, नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज लैब. लिसन टू दीज वर्ड्स, नॉट द O and U sound. Okay. अब ये क्या है? O और U sound words है. Short sound and long sound. जिसको हम जल्दी से बोल देते हैं वो short sound होते हैं, और जिसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ना उसको हम long sound word बोलते हैं. तो first is hope. देखो जल्दी बोलो ना, H O P hope. C O D pod. R O D road. है ना? These are short sound. ओके, नाउ दिस इज हो. जैसे हमने बोला ना हो, अब देखो हो, हो. फर्क लग रहा है ना, डिफरेंस पता चल रहा है ना अपने आप से? हो, हो, एच ओ पी ई, हो. कोड, कोड, सी ओ डी ई, कोड. रोड, रोड, आर ओ डी ई, रोड. ओके, सेम एज ये ओ साउंड थे, अब देखो यू साउंड है. टी यू बी टप, ट्यूब. T-U-B-E, tube. Okay. Hug, huge. Hug, huge. Okay. Cup, cube. Cup, cube. Cup को एकदम फटाफट से बोल रहे हैं, और long sound में देखो cube है ना. Okay. Say the name of each picture aloud. Fill in the blanks to complete the words. Okay. क्या करना है हमको इसमें? इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है. क्या करना है? कंप्लीट करना है. सो व्हाट इज दिस, क्या कौन सी पिक्चर है? व्हाट इज द पिक्चर ऑफ दिस? यस, बॉक्स. तो वी राइट ओ हियर. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ओ, बी ओ एक्स, बॉक्स. बी ओ एक्स, बॉक्स. नेक्स्ट इज सॉक्स. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सॉक्स? यस, एस ओ सी के. S O C K, socks. S O C K S, socks. S O C K S, socks. Frog, F R O G, frog. F R O G, frog. Okay. Now next is rose. R O
एसई रोज, आर ओ एस ई रोज। समझ में आया ना आपको हमने क्या किया इसमें? देखो ये जो पिक्चर्स थी हम, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे, इन पिक्चर्स को देखकर हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीड ईच वर्ड, रीड ईच द वर्ड अलाउड, सर्कल द वर्ड्स विद द लॉन्ग यू साउंड। अब जो लॉन्ग यू साउंड वाले वर्ड्स है ना, उनको क्या करना है हमें, उनको सर्कल करना है, सर्कल द यू साउंड वर्ड। ओके, तो फर्स्ट इज, व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड? यस टेल मी, फर्स्ट वर्ड इज ये म्यूट। म्यूट इज अ लॉन्ग साउंड, यस, सो वी सर्कल म्यूट। ओके, सेकंड इज यस रूल, आर यू एल ई रूल, लंबा है ना, लॉन्ग साउंड, यस, तो सर्कल करेंगे। क्यूट, यस सर्कल, यस। रन, नो ये तो जल्दी से बोला ना, रन, तो दिस इज नॉट अ लॉन्ग साउंड, ये शॉर्ट साउंड है। कट, ऑल्सो शॉर्ट साउंड। जून, देखो लंबा जा रहा है ना, लॉन्ग साउंड है ना, यस, सो वी सर्कल। ह्यूज, ऑल्सो फन, शॉर्ट साउंड। फ्यूज, क्या, फ्यूज, यस लॉन्ग साउंड। ओके, हग शॉर्ट है, कप शॉर्ट है, बग शॉर्ट है, नट शॉर्ट है, मड शॉर्ट है, और ई क्या है, ड्यू, डी यू के ई, बड़ा है ना। ट्यून, ये भी बड़ा है, उसको भी हम सर्कल करेंगे। ओके, सो टर्न योर पेज, यस, नेक्स्ट इज लिसन टू द पोयम ऑन माय ब्लैक बोर्ड केयरफुली, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ओके, सो ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन राइट भी हो सकता है और आई कैन ड्रॉ भी हो सकता है। ऑन लिटिल, वन लिटिल विंडो, देखो आप देखो ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर विंडोज ड्रॉ कर रहा है। वन लिटिल विंडो विथ वन ग्रीन डोर, यस, वन लिटिल विंडो विथ वन ग्रीन डोर। ओके, टू बिग गेट्स दैट ओपन वाइड, ओके, थ्री रेड स्टेप दैट लेड इनसाइड, नेक्स्ट टू लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, यस, फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, सिक्स ब्यूटिफुल मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉप ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, यू आर गौरव एंड अदिति, ऑन योर बर्थडे योर फ्रेंड वरुण एंड रिचा गिफ्टेड यू अ स्टोरी बुक। उन दोनों ने क्या किया, आपको एक स्टोरी बुक दी है, राइट अ थैंक यू नोट टू हिम और हर। ओके, क्या लिखेंगे हम, डियर, तो हम किसके लिए लिख रहे हैं नोट, वरुण और रिचा को लिख रहे हैं ना, तो डियर वरुण, व्हाट वी राइट, वरुण, वरुण लिखेंगे यहाँ, डियर वरुण थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, आई रियली नीड दिस, नीड इट, मुझे वास्तव में इसकी बहुत जरूरत थी, आई एम एक्साइटेड टू रीड इट, और मैं क्या हूँ, इसको रीड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू टू थिंक मी, थिंक ऑफ मी, आपने मेरे लिए सोचा, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील हैप्पी, और आपने मुझे इसको देखकर बहुत हैप्पी किया, योर्स ट्रूली गौरव, आप अपना नाम लिख सकते हो या आपने फ्रेंड करना। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टूडेज क्लास, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ कॉपी वर्क, टिल देन यू प्रैक्टिस इट एंड लर्न द पोएम, बाय बाय।